So now we'll be discussing about the cyclic structure of glucose. जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि इसका open chain structure भी दिया गया था और बाद में इसका cyclic structure भी दिया गया, ठीक है? तो cyclic structure देने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक, basically जब हम open chain structure की बात करते हैं, तो open chain structure में हमने बोला कि glucose के अंदर एक aldehydic group present होता है, and it should show all the characteristic reactions of aldehydic group. ठीक, जैसे हमने बोला था कि aldehydic group एक typical reaction show करता है cyanohydrin formation with on reaction with hydrogen cyanide. इसी तरीके से glucose oxime भी बनाता है जब उसकी reaction करते हैं hydroxylamine के साथ. ठीक है, similarly कुछ और भी important reactions है aldehydes की जो कि characteristics है aldehyde group होने के लिए. ठीक है, मिसाल के तौर पर aldehydes जो है वो रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ NaHSO3. सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करने पे एल्डिहाइडिक ग्रुप्स जो होते हैं दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन और वो एडिशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ठीक, इसी तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप्स की जब हम रिएक्शन करवाते हैं 2,4-DNP के साथ, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो ये उसके साथ भी रिएक्ट करता है. ठीक, इसी तरीके से एल्डिहाइड्स एक टिपिकल रिएक्शन शो करते हैं विद शिप्स रिएजेंट. ठीक, शिप्स रिएजेंट. आई होप कि ये तीनों रिएक्शंस आपने एल्डिहाइड्स चैप्टर के अंदर पढ़ी होगी, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स में. सो एल्डिहाइड्स शो अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन विद NaHSO3, 2,4-DNP एंड शिप्स रिएजेंट. ठीक, लेकिन जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन इन तीन रिएजेंट्स के साथ करवाते हैं, वी सी दैट ग्लूकोज डज नॉट शो एनी रिएक्शन. ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप होने की एविडेंस भी हमें मिलती है कुछ रिएक्शन से, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन से और हाइड्रोक्सिल एमाइन की रिएक्शन से. ठीक है ना, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कुछ रिएक्शन से पता चलता है एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कुछ रिएक्शन से पता चलता है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होना चाहिए. ठीक, सो देयर वाज अ कंफ्यूजन. अगर इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर सही है तो उसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, अगर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये रिएक्शंस होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शंस नहीं होती है. ठीक, इसी तरीके से एक और चीज, नंबर सेकंड लिमिटेशन जो थी ओपन चेन दिस स्ट्रक्चर की, वो ये कि हमने देखा ग्लूकोज रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ और क्या बनाता है, ग्लूकोज ऑक्साइड. ठीक, लेकिन ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, पेंटाएसिटेट जो है वो हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता है. ठीक, क्या मतलब, अगर आप ग्लूकोज पेंटाएसिटेट की बात करें, दिस इज ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, लास्ट टाइम हमने दिखाया था CHOCOCH3. ठीक, इसको हमने कैसे प्रिपेयर किया था, वी हैड प्रिपेयर्ड इट बाय रिएक्शन विद, किसके साथ, बाय रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, इफ यू रिमेंबर. ठीक, तो इस तरीके से हमें क्या मिलता था, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट. ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में भी क्या प्रेजेंट है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप. तो अगर ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये फर्दर रिएक्ट करना चाहिए ना किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, एंड इट शुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन ग्रुप. ठीक, लेकिन ग्लूकोज पेंटाएसिटेट रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ. ठीक, होगी तो लिमिटेशंस. ठीक, तीसरी लिमिटेशन जो थी दैट वाज कि ग्लूकोज को देखा गया है, ग्लूकोज हैज बीन फाउंड एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलिन फॉर्म्स. ठीक है ना, इसकी दो फॉर्म्स देखी गई है, टू क्रिस्टलिन फॉर्म्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अलग अलग है, टू क्रिस्टलिन फॉर्म्स. ठीक, एक फॉर्म को हम बोलते हैं नाम अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी फॉर्म को हम नाम देते हैं बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज. ठीक, तो मींस ग्लूकोज के दो तरह के क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए गए हैं. ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. ठीक, अल्फा डी ग्लूकोज की जब हम बात करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट हैज बीन फाउंड टू बी 146 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट देखा गया 150 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक, सो दैट मींस ग्लूकोज दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. अगर ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर सही है तो उसमें कोई दूसरा स्ट्रक्चर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कोई दूसरा उसमें मतलब कोई दूसरा क्रिस्टल फॉर्म होने की कोई भी वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक, लेकिन फिर भी ग्लूकोज दो फॉर्म्स में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में. तो एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर. ठीक, तो इन लिमिटेशंस को दूर
करने के लिए इट वॉज लेटर ऑन सजेस्टेड दैट ग्लूकोज जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता है बल्कि उसके अंदर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे वहां पे एग्जिस्ट होता है उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। If I write the open chain structure of glucose, that is C double bond O single bond H, this is aldehyde group, then you have OH, H, then H, OH, then OH, H, OH, H, and CH2OH, ठीक। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक। अब साइक्लाइजेशन के लिए जाने से पहले हम फिर से थोड़ा सा रिकैप करेंगे, हेमी एसिटल किसको कहते हैं। इफ यू रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्रुप है और C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को मैं अगर रिएक्ट करवाता हूं एक अल्कोहलिक अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ, तो यू रिमेंबर दैट मैंने बताया था कि अल्कोक्साइड इस पे अटैक करेगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग और एच ओ एच ओ आर, ठीक। इसको हमने क्या नाम दिया था, हेमी एसिटल, ठीक है, हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल में बेसिकली क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप था, कार्बोनिल कार्बन था, उस कार्बोनिल कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक OH ग्रुप होता है और एक OR ग्रुप होता है, ठीक है ना। और ये हेमी एसिटल कब बनता है, जब कार्बोनिल पे अल्कोहल अटैक करेगा, ठीक है। नाउ इफ वी लुक एट द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में ऑलरेडी एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पे बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप्स प्रेजेंट है, ROH, 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 ठीक है ना। सो दैट मींस अगर एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करके क्या बनाता है, हेमी एसिटल। ग्लूकोज के अंदर ऑलरेडी एक एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और बहुत सारे OH ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, ठीक। तो इट वाज प्रेडिक्टेड दैट कि असल में यहां पे क्या होता है, इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में बेसिकली इंटरनल हेमी एसिटल फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक। मॉलिक्यूल के विद इन ही वहां पे हेमी एसिटल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। यहां पे इन में से कोई OH ग्रुप इसके ऊपर अटैक करके क्या बना देता है, एक साइक्लिक हेमी एसिटल बना देता है, ठीक है ना। सो असल में साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है, यहां पे एक इंटरनल साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे OH ग्रुप से, ये OH ग्रुप भी इस पे अटैक कर सकता है, ये OH ग्रुप भी इस पे अटैक कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है ना। और दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन कि कौन सा OH ग्रुप असल में अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना। नाउ दो तरीके से देखे जाते, हम पहले देखेंगे कि इसमें एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम वी विल ट्राई टू रूल आउट द अदर पॉसिबिलिटीज, ठीक। सो इट हैज बीन फाउंड दैट कि कार्बन नंबर 5, ये वन कार्बन नंबर 5 पे जो OH ग्रुप है यही अटैक करता है इंटरनली किसके ऊपर, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, ठीक। सो दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, दे विल रिएक्ट टुगेदर एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल। अब चूंकि अल्कोहल और कार्बोनिल ग्रुप दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, तो यहां पे जब एसिटल फॉर्मेशन हो जाएगी ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ साइक्लिक हेमी एसिटल, क्लियर, ठीक है ना। अब जरा देखिए ROH में से ये ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, इधर इस कार्बन पे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगी, वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है ना। तो दैट मींस अब इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि
एल्डिहाइड ग्रुप जो है यू नो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है वो प्लेनर स्पीशीज होता है. सो दैट मींस इट इज लाइक दिस प्लेन, ठीक है. और किसी भी प्लेनर स्पीशीज के दो फेसेस होते हैं, एक ये फ्रंट फेस और एक बैक फेस, ठीक है ना. अब जब इस पे अटैक होगा तो दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती है, आइदर द अटैक कैन टेक प्लेस फ्रॉम द फ्रंट फेस और अटैक कैन टेक प्लेस फ्रॉम द बैक फेस, ठीक है ना. तो अगर ये फ्रंट फेस से अटैक करता है यहां पे OR ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन एक होगी, अगर बैक फेस से अटैक करता है तो कॉन्फ़िगरेशन दूसरी हो जाएगी, ठीक. सो दैट मींस जब ये इंटरनल साइक्लाइजेशन होगी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना. एक पॉसिबिलिटी ये है कि जब इसने अटैक किया तो ये पॉइंट जब ब्रेक हो गया इसके साथ जो हाइड्रोजन लिंक होगा, मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH ग्रुप में, तो वो OH जो है वो राइट साइड में लग सकता है. और अगर इसने बैक साइड से अटैक किया ये OH ग्रुप जो है ये लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक. सो दैट मींस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक. नंबर वन पॉसिबिलिटी इज दिस. एक पॉसिबिलिटी ये है कि देख लीजिए यहां पे ये कार्बन जो है, दिस कार्बन, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, लेट्स से दिस इज कार्बन नंबर वन. अब जरा देखिए इस कार्बन नंबर वन का क्या हो गया, इस कार्बन नंबर वन पे डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH में. सो इस पे लग जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, ठीक. और उसके साथ क्या था, हाइड्रोजन, दिस इज इट्स ओन हाइड्रोजन, क्लियर, ठीक है. और नीचे से ये वाले ग्रुप्स हैं, ठीक. नीचे से ये वाले ग्रुप्स में दिखा रहा हूं, ये वाला ग्रुप सी OH एंड H, ठीक. दूसरा ग्रुप H OH, तीसरा ग्रुप OH H, ठीक. और चौथा ग्रुप यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, H. और इस OH का क्या हुआ, इस OH में इस ऑक्सीजन ने लिंक कर दिया किसके साथ, इस कार्बन के साथ. दैट मींस यहां पे जो ऑक्सीजन था उसको मैं इधर दिखा रहा हूं बाहर, यहां पे जो ऑक्सीजन एटम था वो किसके साथ लिंक हो रहा है, इस कार्बन के साथ, देख लीजिए यहां पे, ठीक है. दिस कार्बन इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड OH. इस OH का हमने क्या बताया, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ लिंक हो रहा है, हाइड्रोजन ने इधर ऑक्सीजन के साथ OH बना दिया, ठीक है. तो ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये किसके साथ लिंक होगा, कार्बन नंबर वन के साथ, ठीक है. सो यू कैन क्लियरली सी यहां पे क्या बन गया, यहां पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया. और नीचे क्या होगा, नीचे CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होगा. बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना. सो दिस कार्बन नंबर वन, नाउ इफ यू लुक एट दिस कार्बन नंबर वन, ये असल में कौन सा कार्बन था, इट वॉज कार्बोनिल कार्बन, ठीक है. अब इस कार्बोनिल कार्बन में क्या क्या है, एक तो ये बड़ा ग्रुप अल्काइल ग्रुप है और H है, OH है, और ये वाला ग्रुप है OR. समझ रहे हैं आप, means it is an hemiacetal, मगर कौन सा hemiacetal है, cyclic hemiacetal, ठीक है. दूसरी probability क्या होगी, दूसरी probability हमने भी बताया कि अगर front side से attack हो गया OH जो यहाँ पे होगा वो right side में होगा, और अगर back side से attack हुआ OH की position क्या होगी, left side में. so फिर से यही carbon number one, इस पे एक तो hydrogen होगा और जो यहाँ से OH बन जाएगा वो किधर आएगा, left में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है. नीचे इसके बाकी सारे ग्रुप्स होंगे OH, H, H, OH, ठीक. देन यू हैव OH एंड H, और ये वाला यहां पे क्या होगा, H, एंड देन इसने क्या किया, ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ लिंक हो गया, नीचे होगा CH2OH, ठीक. सो यहां पे बिल्कुल वही hemiacetal फॉर्मेशन हो रही है, ठीक. अब इस फॉर्म में और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिर्फ किस चीज की डिफरेंस है, जरा देख लीजिए. इस कार्बन पे OH है राइट साइड में, उधर भी OH है राइट साइड में, H राइट साइड में, H राइट साइड में, OH राइट साइड में, OH राइट साइड में. लेकिन कार्बन नंबर वन पे इधर OH राइट साइड में है, इस पे OH लेफ्ट साइड में, ठीक है. बात समझ रहे हैं, दैट मींस स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है. लेकिन दोनों के दोनों किसके स्ट्रक्चर्स है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स है, ठीक. एक स्ट्रक्चर अलग, उसकी वजह से इसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी, इसका अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, इसका अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, ठीक. नाउ वो वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन नंबर वन पे OH ग्रुप राइट साइड पे है, ठीक, इस वाले को हम नाम देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक, अल्फा डी ग्लूकोज, समझ रहे हैं आप, ठीक. और जिस वाले में
कार्बन नंबर वन के ऊपर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, उसको हम नाम देते हैं बीटा डी ग्लूकोस। ठीक, बीटा डी ग्लूकोस। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक, सो इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका दिया जाता है। नाउ इफ यू काउंट द मेंबर्स ऑफ द रिंग, ठीक, तो यहां पे रिंग बन रही है, जरा देखिए इसमें कितने मेंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है ना, 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग, इसमें भी 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन रही है, क्लियर है बात? ठीक है ना, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग। एंड इफ यू रिमेंबर दैट 6 मेंबर साइक्लिक रिंग जो होती है वो काफी ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें कोई भी किसी भी किस्म की स्ट्रेन नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी ना कि कार्बन नंबर 5 के बजाय कार्बन नंबर 4 वाला OH भी इसके ऊपर अटैक कर सकता था। ठीक है, तो जब ये अटैक करता तो ये वाला ऑक्सीजन साइक्लाइजेशन में हिस्सा लेता। ठीक, तो उस वक्त कितने मेंबर्स बनते, 1, 2, 3, 4 and 5, उस वक्त जो रिंग बन जाती 5 मेंबर रिंग बन जाती, क्लियर है बात? और 5 मेंबर रिंग के अंदर स्ट्रेन होता है वो लेस स्टेबल होता है। ठीक, इसी तरीके से ये ऑक्सीजन भी लिंक हो सकता था, तो उस वक्त साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होगा उसमें कितने मेंबर्स होंगे, 1, 2, 3, 4 मेंबर, अगर ये करता तो 3 मेंबर, अगर ये करता तो 7 मेंबर। एंड यू नो 7 मेंबर रिंग भी स्ट्रेनियस होती है, 5 मेंबर रिंग में भी स्ट्रेन होता है, 4 मेंबर में भी स्ट्रेन होता है, 3 मेंबर में भी स्ट्रेन होता है, सिर्फ 6 मेंबर रिंग ऐसी है जिसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं होती है। बात समझ रहे हैं आप? इसीलिए जो ग्लूकोज होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो 6 मेंबर वाली रिंग बना देता है। इसीलिए हमने बताया कि इट इज बेसिकली द कार्बन नंबर 5 OH ग्रुप व्हिच पार्टिसिपेट्स इन द साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्मेशन। क्लियर है बात? ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 6, और 6 मेंबर्स में से एक मेंबर कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, सो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल है जो ऐसा दिखता है, this one, it's an aromatic compound, ठीक, heterocyclic aromatic compound जिसमें oxygen member of the ring होता है। अब जरा देख लीजिए आप इसमें total कितने members हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 along with the oxygen। और अगर आप glucose के structure की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5 carbon and 1 oxygen, so it resembles this structure। ठीक है, और इस structure को हम नाम देते हैं pyrone, इस कंपाउंड का नाम होता है पाइरॉन। ठीक, इसीलिए इस वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को पाइरानोस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है ना, सो पाइरानोस फॉर्म इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज़ इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग व्हिच रिजेंबल्स दैट ऑफ द पाइरॉन, दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल इट एज पाइरानोस फॉर्म। ठीक, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम एक और नाम भी देते हैं, आइदर अल्फा डी ग्लूकोज और वी कॉल इट एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, ग्लूकोपाइरानोस, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, सिमिलरली इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, बीटा डी ग्लूकोस या बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। ठीक, और जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है, जब हम इसके स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। ठीक, इनमें क्या डिफरेंसेस होती है, जैसे अभी मैंने बताया इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इट इज 146 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, एंड सिंस These molecules are optically active, पहले ही हमने बताया था कि हमारे जो carbohydrates होते हैं, they are optically active, that is they can rotate the plane polarized light either towards the right or towards the left, ठीक है? And glucose जो है, naturally it has been found to be dextrorotatory, dextrorotatory किसको कहते हैं हम, जो plane polarized light को right की तरफ मोड़ देता है, ठीक है? Glucose has been found to be dextrorotatory naturally, ठीक है ना? So जो dextrorotatory होता है, उसको हम positive sign से represent करते हैं, इसीलिए हम इसको नाम दे सकते हैं एक और, we can also write it as alpha D then plus, alpha D plus glucose, alpha D plus glucose और alpha D plus glucopyranos। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है ना, alpha D plus glucose और alpha D plus glucopyranos। ठीक, इसी तरीके से इसको भी हम नाम दे सकते हैं beta D plus glucose।
ग्लूकोज और बीटाडीन प्लस ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। नाउ हर किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के एक स्पेसिफिक रोटेशन होती है कि वो कितना रोटेट करता है इसको टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। पहली बार हमने ये बताया कि ग्लूकोज लाइट को रोटेट करता है टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और अल्फा डी ग्लूकोज की जब हम बात करते हैं, जब हम इसकी स्पेसिफिक रोटेशन देखते हैं जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा डी, इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है इट हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू 111 degrees towards right, ठीक। एंड इसके लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन देखी गई दैट हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू 19.2 डिग्रीज टुवर्ड्स राइट, ठीक है, 19.2 डिग्रीज टुवर्ड्स राइट, ठीक। सो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात करें, वी कैन से इन ग्लूकोज देयर इज एन इंटरनल साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्मेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ग्लूकोज जो है वो एक हेमीएसिटल साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर पाइरान से रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको पाइरानोज फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप, क्लियर है बात, ठीक है। Now, एक और लास्ट टर्म हम इसमें डिफाइन करेंगे दैट इज एनोमर्स, ठीक है। एनोमर्स किनको कहते हैं, ठीक। नाउ इफ यू लुक एट बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक, यू कैन क्लियरली फाइंड आउट कि इसका स्ट्रक्चर हर जगह पे सेम है एक्सेप्ट फॉर द कार्बन नंबर वन, ठीक। इसमें कार्बन नंबर वन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है और इसमें कार्बन नंबर वन पे OH ग्रुप राइट साइड में है, बाकी हर एक जगह पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है, ठीक। ऐसे आइसोमर्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक, जो सिर्फ कार्बन नंबर वन पे डिफर करते हैं इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उनको हम नाम देते हैं एनोमर्स, ठीक, एनोमर्स। इससे पहले हमने एक टर्म पढ़ी थी एपिमर्स। एपिमर्स किनको हम कहते हैं, एपिमर्स कहते हैं जो सिर्फ एक कार्बन पे, किसी भी कार्बन पे वो डिफर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एनोमर्स किनको कहते हैं, उन आइसोमर्स को जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर वन पे डिफर करते, ठीक है। सो इन दो को अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज को हम नाम देते हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एज एनोमर्स, ठीक है। और इस कार्बन नंबर वन को हम नाम देते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। सो अगर हम आज से एनोमेरिक कार्बन टर्म यूज करें, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट एनोमेरिक कार्बन मींस द कार्बन नंबर वन। इनफैक्ट ये कार्बन नंबर वन असल में कौन सा कार्बन था, ये असल में एल्डिहाइडिक कार्बन था जो अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, हेमीएसिटल फॉर्म में, ठीक है ना, किस फॉर्म में, हेमीएसिटल फॉर्म में, ठीक। तो आप इस कार्बन नंबर वन को एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं, ठीक, या इसी को हम इसको हम एक और नाम भी देते हैं, वी आल्सो कॉल इट एज ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक कार्बन, ठीक, ग्लाइकोसाइडिक कार्बन। सो व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक कार्बन और एनोमेरिक कार्बन, इट इज द कार्बन नंबर वन, ठीक। और असल में ये कार्बन कौन सा कार्बन होता है, हेमीएसिटाइलिक कार्बन। हेमीएसिटाइलिक कार्बन का मतलब ये असल में एल्डिहाइडिक ग्रुप था, अब ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, हेमीएसिटल फॉर्मेशन में, ठीक। अब यहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा जो हमने उस वक्त कहा था रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक। सो इफ यू रिमेंबर हमने बोला था रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हेमीएसिटल या हेमीकेटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, और वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट को, ठीक है। सो ग्लूकोज जो है ये असल में किस फॉर्म में होता है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप, हेमीएसिटाइलिक फॉर्म में, ठीक। तो अगर ये हेमीएसिटाइलिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसीलिए ये टिपिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड शो नहीं कर पाता है, लाइक रिएक्शन विद 2,4-DNP, रिएक्शन विद शिप्स बेस एंड रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। बात समझ रहे हैं आप, ठीक, इसीलिए ये वो सारी रिएक्शन शो नहीं करता है, क्लियर, ठीक। नाउ लास्ट एक यहां पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्ट्रक्चर के रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन, ठीक। सो यू नोट डाउन म्यूटा रोटेशन, मैं स्ट्रक्चर्स को रॉप नहीं करूंगा, इसी से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या है। म्यूटा रोटेशन, म्यूटेशन आपको पता है, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है चेंज इन रोटेशन, ठीक। क्या मतलब चेंज इन रोटेशन, अभी मैंने बताया, ध्यान से सुनिए, अभी मैंने बताया कि हमारा जो
ग्लूकोज है वो दो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो दो क्रिस्टलीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। हम बीटा डी ग्लूकोज को भी अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। हम अल्फा डी ग्लूकोज को भी अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, 111 डिग्री टुवर्ड्स राइट, और बीटा डी का कितना है, 19.2 डिग्री टुवर्ड्स राइट, ठीक। नाउ लेट्स सपोज मैं ग्लूकोज को प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। ग्लूकोज को प्रिपेयर करते करते मैंने अल्फा डी ग्लूकोज का सैंपल ऑब्टेन किया, ठीक। मैंने बीटा डी ग्लूकोज का सैंपल ऑब्टेन किया, तो मेरे पास दो कंटेनर्स है, एक कंटेनर में मैंने अल्फा डी ग्लूकोज रखा है, दूसरे में मैंने बीटा डी ग्लूकोज रखा है, ठीक। अल्फा डी ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन कितनी है, 111 डिग्री, और बीटा डी की कितनी है, मतलब उसकी है 19.2 डिग्री, ठीक, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अल्फा डी ग्लूकोज से उस वाले कंटेनर से कुछ अल्फा डी ग्लूकोज निकाल के उसका सॉल्यूशन बना रहा हूं वाटर में, ठीक। तो वाटर में मैंने क्या डाला, सिंपली मैं क्या डाल रहा हूं, वाटर में मैं प्योर अल्फा डी ग्लूकोज सैंपल डाल रहा हूं, ठीक। और वाटर में जब मैंने इसका सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, तो मैं इसकी ऑप्टिकल रोटेशन चेक करूंगा, ठीक। तो इसकी ऑप्टिकल रोटेशन कितनी आएगी, 111 डिग्री, फाइन, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस सैंपल को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूं, इस एक्वस सॉल्यूशन को मैंने चेक किया, इसकी ऑप्टिकल रोटेशन पहले कितनी थी, 111 डिग्री टुवर्ड्स राइट, डेक्स्ट्रो रोटेटेड, ठीक। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं अब इस सॉल्यूशन को ऐसे ही रख रहा हूं फॉर सम टाइम, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जब मैं फिर से इसकी ऑप्टिकल रोटेशन चेक करता हूं, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट दैट इसकी ऑप्टिकल रोटेशन कितनी होनी चाहिए, 111, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या डाला था इसमें, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक। लेकिन व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज, वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम वी सी दैट उस सॉल्यूशन की ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो डिक्रीज होके रह जाती है कॉन्स्टेंट एट अ वैल्यू ऑफ 52.5 डिग्रीज। दैट मींस अल्फा डी ग्लूकोज को मैंने लिया, अल्फा डी ग्लूकोज को मैंने लिया, इसका सॉल्यूशन वाटर में बना है, इसकी ऑप्टिकल रोटेशन कितनी थी, 111। आफ्टर सम टाइम मैं इसकी ऑप्टिकल रोटेशन फिर से चेक कर रहा हूं, इट हैज बीन डिक्रीज्ड, ठीक है। तो धीरे-धीरे डिक्रीज हो रही है, और कहां पे मेंटेन हो रही है, 52.5 डिग्रीज पे। दैट मींस इसकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो रही है, चेंज, ठीक है, कम हो रही है, ठीक, क्लियर। अब इसी तरीके से मैं अगर प्योर बीटा डी का सैंपल ले लूं, उसका सॉल्यूशन बनाऊं, पहले उसकी ऑप्टिकल रोटेशन कितनी आएगी, 19.2 डिग्रीज, क्लियर, 19.2 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं उसको भी इसी तरह से कुछ देर के लिए छोड़ दूं, मैं देखूंगा कि इसकी ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है ना, और कहां पे कांस्टेंट होके मेंटेन हो रही है, वो इस पॉइंट पे मेंटेन हो रही है। दैट मींस आइदर इफ आई टेक अल्फा डी ग्लूकोज इन द प्योर स्टेट एंड मेक इट सॉल्यूशन, और आई टेक बीटा डी ग्लूकोज एंड मेक इट सॉल्यूशन, ठीक, इन दोनों की कुछ देर के बाद ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो चेंज होके कहां पे आ जाती है, 52.5 डिग्रीज, ठीक है। इस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन को विद टाइम, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए कंपाउंड विद टाइम, That is what we call as muta rotation. ठीक? Now the question is, इसमें ये change क्यों हो रही है? Muta rotation का reason क्या है? ठीक है? Muta rotation का reason ये है कि चाहे आप alpha से start करें या beta से start करें, ठीक है ना? Alpha अगर आपने लिया तो इसका ये structure होगा, ठीक? Beta अगर आपने लिया तो इसका ये structure होगा। जैसे आप इसको water में डालते हैं, water में डालने पे क्या होता है? वहाँ पे ring opening and क्लोजिंग हो जाती है, ठीक। तो याद रखिए, मैंने अगर अल्फा डी ग्लूकोज लिया है, इसका मैंने सॉल्यूशन बनाया है, तो ये इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा। व्हाट इट डज एक्चुअली, ये क्या करता है, ये अपने इस रिंग को ओपन कर देता है, ठीक, ये हेमीएस्टैलिक लिंकेज ब्रेक कर देता है, ठीक। तो जब इसने हेमीएस्टैलिक लिंकेज ब्रेक कर दिया, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ओपन चेन, ठीक है। तो जब ये ओपन चेन फॉर्म में आ गया, ये फिर वापस रिंग क्लोजर कर देता है, ठीक है ना। लेकिन जब ये ओपन चेन फॉर्म में आया, अब वापस रिंग क्लोजर करने के फिर से कितनी प्रोबेबिलिटीज होती है, दो, ठीक है ना। आइदर OH विल अटैक ऑन द फ्रंट साइड और OH विल अटैक ऑन द बैक साइड। अगर OH ने फ्रंट साइड पे अटैक किया तो अल्फा डी वापस बनेगा, अगर OH ने पीछे से अटैक किया तो बीटा डी बन जाएगा। दैट मींस दोनों प्रोबेबिलिटीज है, ठीक। सो वंस यू स्टार्ट विद द प्योर अल्फा डी, इफ यू प्लेस इट इन वाटर, it will open its ring structure, it will result in the formation of open chain structure वापस close हो जाएगा। लेकिन अब जब ये वापस दोबारा close हो जाएगा, ये कुछ alpha भी बनाएगा,
और कुछ बीटा भी बनाएगा, ठीक। अगर इसने अल्फा बना दिया तो ऑप्टिकल रोटेशन 111, लेकिन अगर बीटा बना दिया तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन कम होगी, ठीक। सो वहां पे क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है। किसका? आपने अल्फा से स्टार्ट किया, इट विल नॉट बी प्योर अल्फा, इट विल गेट कन्वर्टेड टू ओपन चेन। ओपन चेन इसको कुछ वापस अल्फा में कन्वर्ट कर देगा, वापस बीटा में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। अगर प्योर अल्फा होता तो कितना रहता, 111, लेकिन अब इसमें क्या आ गया, बीटा भी आ गया। बीटा की ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, कम है, ठीक है ना। बीटा की ऑप्टिकल रोटेशन कम होने की वजह से पूरे सॉल्यूशन की ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। और वो कहां पे मेंटेन हो जाता है, 52.5, दैट मींस दिस 52.5 डिग्री डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन होती है। सो दैट मींस जब भी हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाते हैं, ग्लूकोज के सॉल्यूशन में 100% ना तो आपको अल्फा मिलेगा, ना तो 100% बीटा मिलेगा, और ना ही आपको 100% ओपन चेन स्ट्रक्चर मिलेगा। इट विल बी एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री फॉर्म्स, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, बीटा फॉर्म एज वेल एज द ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक। इसी तरीके से अगर आपने प्योर बीटा लिया, प्योर बीटा भी क्या करेगा, रिंग ब्रेक करेगा, ओपन चेन बना देगा। अब ओपन चेन बनने के बाद जब ये क्लोज होगा, ये भी बनाता है और वो भी बनाता है, ठीक है ना। अगर इसने अल्फा भी बनाया, इसकी ऑप्टिकल रोटेशन खुद की क्या थी, कम, अब ये अल्फा बना रहा है तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगी, इंक्रीज, ठीक। सो इक्विलिब्रियम मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन कितनी होती है, 52.5 डिग्रीज, ठीक है। एंड यू रिमेंबर दैट जब हम इसकी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अल्फा होता है 36% अल्फा एंड 64% होता है बीटा, ठीक। और बहुत ही कम क्वांटिटी में वहां पे ओपन चेन स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अवेलेबल होता है, ठीक। यही रीजन है कि जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन ड्यू टू दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। मगर चूंकि इसकी क्वांटिटी कम होती है, इट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू सोडियम बाइसल्फाइड 2,4-DNP, neither it responds to the shapes base. बात क्लियर होगी? This is what we call as muta rotation. So what is the reason for muta rotation? Ring opening and reclosing. ठीक है? Clear? ठीक? So ultimately इस सारे concept का जो gist है वो ये है कि आप चाहे कोई भी ग्लूकोज ले लें, प्योर अल्फा ले लें या प्योर बीटा ले लें, उसके सॉल्यूशन में आपको सिर्फ अल्फा या सिर्फ बीटा नहीं मिलेगा। इट विल ऑलवेज बी एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा, बीटा एंड अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसकी ऑप्टिकल रोटेशन 52.5 होगी। क्लियर? अच्छे से समझ में आया? ठीक है। सो लास्ट पे हम बात करेंगे हेवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में, ठीक। तो हेवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, एक सिंपल एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। हेवॉर्थ एक केमिस्ट था जिसने इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को, चाहे अल्फा फॉर्म हो या बीटा फॉर्म को, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाया, ठीक है ना। उस फॉर्म को, उस रिप्रेजेंटेशन को हम हेवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक। तो हेवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम इसको डिफाइन करते हैं या दिखाते हैं। सो वी नो इट्स अ साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन एक उस रिंग का एक हिस्सा है, ठीक है। हेवॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, और चूंकि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें कितने मेंबर्स है, 6 मेंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 along with the oxygen, ठीक। So what he did, उसने क्या किया, उसने बताया कि हम इसको एक hexagonal structure के form में लिखेंगे, ठीक, जिसमें oxygen जो है वो एक member होगा उस hexagonal ring का, ठीक। And oxygen must be shown at the top right corner. This is oxygen. ये oxygen क्या कर रहा है, ये एक 6 member ring बना रहा है, like this. इस तरीके से, ठीक है, ठीक। 6 मेंबर रिंग है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक। तो वहां पे भी हम एक 6 मेंबर रिंग बनाई, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो है ये किसके साथ लगा हुआ है, ये कार्बन नंबर 1 जिसको हमने एरोमेटिक कार्बन कहा है, और कार्बन नंबर 5 के साथ लगा हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज कार्बन नंबर 1, ठीक, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज कार्बन नंबर 2, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज कार्बन नंबर 3, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एज कार्बन नंबर 4, एंड दिस इज कार्बन नंबर 5, ठीक है, कार्बन नंबर 5, ठीक। तो कार्बन नंबर 1 पे
क्या लगा हुआ है H और OH, ठीक, 2 पे भी H और OH, 3 पे H और OH, 4 पे H और OH, ठीक, कार्बन नंबर 5 जो है, कार्बन नंबर 5 पे एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है ये, एक हाइड्रोजन के साथ और एक CH2OH के साथ, ठीक है ना। अब हेवर्ट प्रोजेक्शन में हमें अल्फा फॉर्म कैसे दिखाते हैं और बीटा फॉर्म कैसे दिखाते हैं, ठीक। अल्फा फॉर्म कौन सा फॉर्म है जिसमें OH कहां पे है, कार्बन नंबर 1 पे राइट साइड में, और बीटा फॉर्म में OH होता है ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक। अकॉर्डिंग टू हेवर्ट प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक, जो भी ग्रुप्स राइट साइड पे है, जो भी ग्रुप्स कहां पे है राइट साइड पे, उसको हम रिंग के प्लेन के नीचे दिखाते हैं, ठीक। सो इफ दिस इज कार्बन नंबर 1, इट फॉर्म्स हाउ मेनी बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स, 1 2 और दो बॉन्ड्स जो ये बनाता है उसको हम ऐसे वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, लाइक दिस। ये भी कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 4 बॉन्ड्स, ये भी 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड्स बनाएगा और ये भी 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है ना। अब कार्बन नंबर 1 पे या किसी भी कार्बन पे जो भी ग्रुप्स राइट साइड पे है, ठीक है ना, उनको हम नीचे दिखाते हैं और जो भी ग्रुप्स लेफ्ट साइड पे हैं उनको हम ऊपर दिखाते हैं, ठीक। तो उस हिसाब से अगर मुझे अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाना है, ठीक, अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे राइट साइड में क्या है, OH, तो इसीलिए मैं OH दिखाऊंगा नीचे। लेफ्ट साइड पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विल बी शोन अबव द प्लेन। कार्बन नंबर 2 पे राइट साइड में OH है तो OH आएगा नीचे, ऊपर आएगा H। कार्बन नंबर 3 पे H राइट साइड में है तो H आएगा नीचे, OH आएगा ऊपर। कार्बन नंबर 4 पे OH राइट साइड में है तो OH आएगा नीचे, H आएगा ऊपर। कार्बन नंबर 5 में देखिए ये लगा है ऑक्सीजन के साथ, सो कार्बन नंबर 5 एक बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, दिस वन एक हाइड्रोजन के साथ और एक CH2OH के साथ। अब चूंकि यहां पे लेफ्ट और राइट वाला सिस्टम नहीं है, यहां पे एक बॉन्ड नीचे है और एक इधर है, ठीक। सो बाय कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द हेवर्ट प्रोजेक्शन फार्मूला वी शुड शो CH2OH एट द टॉप, ठीक है, इट इज बाय कन्वेंशन, ठीक। सो बाय कन्वेंशन CH2OH को हम कहां पे दिखाएंगे, टॉप पे दिखाएंगे, और हाइड्रोजन को हम दिखाएंगे नीचे, ठीक। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इस स्ट्रक्चर से काफी सिंपल है, इसको हम जल्दी से बना सकते हैं और इट इज सिंपल टू ऑब्जर्व, ठीक। तो इसमें जो भी ग्रुप नीचे है, जो भी ग्रुप नीचे लाई कर रहा है बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, इट रिप्रेजेंट्स दैट द ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, और जो भी ग्रुप ऊपर नजर आ रहा है इट मींस दैट इन दिस स्ट्रक्चर इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। सो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला हेवर्ट प्रोजेक्शन फार्मूला जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस फॉर्म को, दिस रिप्रेजेंट्स अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक। इसी तरीके से अगर मुझे क्या बनाना है, अगर मुझे हेवर्ट प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना है बीटा डी ग्लूकोज के लिए, उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, आई विल राइट ऑक्सीजन एट द टॉप राइट कॉर्नर, देन आई विल बी ड्राइंग हेक्सागोनल रिंग, ठीक, लाइक दिस, ऐसे, और हर एक पे क्या होगा, दो दो बॉन्ड्स होंगे इस तरीके से, ठीक। नाउ बीटा डी ग्लूकोज में राइट हैंड साइड पे कार्बन नंबर 1 पे कौन है, हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन कहां दिखेगा, नीचे, OH ऊपर, ठीक। कार्बन नंबर 2 पे OH राइट साइड में तो OH नीचे दिखेगा, H ऊपर। कार्बन नंबर 3 पे H राइट हैंड साइड में तो H नीचे, OH ऊपर। कार्बन नंबर 4 पे राइट साइड में OH तो OH नीचे, H ऊपर, एंड लास्ट पे CH2OH और H। सो बाय कन्वेंशन विल बी शोइंग CH2OH एट द टॉप एंड H at the bottom, okay. So what does this represent? This represents the structure for beta D glucose or beta D glucopyranose. Now you can simply see that ये किसकी तरह resemble कर रहा है, pyran की तरह resemble कर रहा है, जिसमें oxygen होता है part of the six member ring, इसमें भी part of the six member ring है, ठीक। So this is what we call as the Hewarth projection formula, ठीक। तो simply Hewarth projection formula में हम क्या करते हैं, हम एक hexagonal ring बनाते हैं जिसमें oxygen को रखा जाता है the top right hand side of the structure, ठीक, और जो भी groups right side में होते हैं उनको नीचे दिखाते हैं और जो left side में होते हैं उनको हम ऊपर दिखाते हैं, ठीक। अल्फा डी ग्लूकोज में हमें पता है कार्बन नंबर 1 पे एनोमेरिक कार्बन पे OH राइट साइड में होता है तो वो नीचे आएगा, ठीक। बीटा डी ग्लूकोज में लेफ्ट हैंड साइड पे OH होता है तो कार्बन नंबर 1 पे OH जो है वो ऊपर आ जाता है, ठीक। सो दिस इज योर कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6, ठीक। इसी तरीके से यहां पे कार्बन नंबर 6 ये है, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर आप देखें इन दो में कहां पे सिर्फ डिफरेंस है, कार्बन नंबर 1 पे, सो कार्बन नंबर 1 पे यहां पे OH नीचे है, यहां पे OH ऊपर है। ऐसे पेयर ऑफ आइसोमर्स को हमने क्या नाम दिया, वी कॉल देम एज
एनोमर्स, ठीक। सो दीज टू अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दे आर एनोमर्स का बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना, ये क्लियर हो रहा है, ठीक। और इस वाले कार्बन को हम क्या नाम देंगे, एनोमेरिक कार्बन। सो एनोमेरिक कार्बन वो वाला कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक। नाउ इन द अब हम नेक्स्ट जो होगा हमारा दैट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज और हम रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे, ठीक।